हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज व्यस्त थी इसलिए लेट वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि मेरा शेड्यूल इस वक्त बहुत हेक्टिक है, तो बट मैं पूरा प्रयास करूँगी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की। और ये जो वीडियो है, इट कुड बी अ हीलिंग वीडियो। इसको मैं कह सकती हूँ हीलिंग वीडियो, क्योंकि आप लोगों के मेल्स में बहुत ज़्यादा इस वक्त तड़प की एनर्जी आ रही है। आप लोग इस जर्नी पे कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रहे हो। इसको मैं चैनलिंग भी कह सकती हूँ। आप लोग को ये लग रहा है कि क्या मेरा यूनियन होगा या नहीं होगा, क्या मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ लाइक दिस, या क्या मैं कोई उपाय कर लूँ, कुछ उपाय टोटके से क्या ये हो सकता है। इस कुछ कलेक्टिव ऐसे क्वेश्चंस मुझे आए, तो मुझे लगा कि ओवरऑल आप लोग सब पेन में हैं, इसलिए आप लोगों के ये क्वेश्चंस हैं कि मेरा यूनियन होगा कि नहीं, क्या मैं कोई उपाय कर लूँ, क्या मैं कुछ कुंडलिनी जागृत कर लूँ। हाँ, क्या कुंडलिनी जागृत कर ही यूनियन होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल मुझे प्राप्त हुए। तो मैं कलेक्टिव में वीडियो बना रही हूँ दोस्तों। पहली चीज़ तो जहाँ तक कुंडलिनी जागरण की बात है, मैंने कई वीडियोज़ में बोला है कि ट्विन फ्लेम्स में कुंडलिनी अवेकनिंग स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम आपकी मीटिंग होती है तो आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग अपने आप ही होती है, यू नो नीड टू अवेकन इट। ओके, एंड उसके बाद यू स्टार्ट फीलिंग योर पर्सन इन द टेलीपैथी लेवल। ओके, आप उनकी एनर्जी इसीलिए महसूस कर पाते हो, उनसे टेलीपैथी में बात इसीलिए कर पाते हो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू विद द स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग। बट अगर हम कहें कि कुंडलिनी अवेकनिंग को अगर आम भाषा में समझा जाए तो ये क्या है? अवेकनिंग मतलब जागरूकता, जागना, जो हम लोग सो रहे हैं। ठीक है, तो हमको जागना है, हमको रियलिटी को समझना है, हमको हकीकत को समझना है। तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आप लोग एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल थे, राइट? इस जर्नी में जहां से जो सुन लिया बस वही फॉलो करना मत करो, मजाक मत करो अपनी जर्नी के साथ, लॉजिक लगाओ। भगवान ने आपको एक माइंड दिया है, उस माइंड को यूज करो, लॉजिक लगाओ कि अल्टीमेटली मुझे ये जर्नी क्यों मिली है। आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ, तो आपका जवाब ये होगा कि आप जब इनकार्नेट हुए थे तो आप एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर प्योर सोल थे। ओके, नाउ यू हैव गॉट दिस जर्नी टू इवॉल्व। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवॉल्व? अगर आम भाषा में कहा जाए तो आपको वापस से वही क्रिस्टल क्लियर प्योर सोल बनकर परम धाम में यूनिवर्स के चरणों पे वापस जाना है। दैट्स द थिंग ओनली, ये आपकी जर्नी है। आपको फुल्ली, जो इतने सारे लाइफ के आपके कर्मास थे, बुरे आपके कर्मास, आपके इश्यूज, आपके ब्लॉकेजेस, आपकी बुराइयां, तो ये सारी की सारी गंदगियां इस वक्त आपके आत्मा के ऊपर एज अ लेयर चढ़ी हुई है, इनको सैनिटाइज करना है। जैसे आप लोग अपने हैंड सैनिटाइज करते हैं ना आजकल, बिल्कुल वैसे ही। तो सैनिटाइज क्या है, ये सैनिटाइजर क्या है, ये आप लोगों की ये जर्नी है। इसको आप कुंडलिनी अवेकनिंग भी कह सकते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कह सकते हो, अपनी चक्रास क्लीनिंग भी कह सकते हो, और कुछ नहीं कह सकते तो आप अपने ब्लॉकेज हीलिंग भी कह सकते हो। तो अल्टीमेटली आपको सैनिटाइज होना है, इवॉल्व होना है और वापस परमधाम जाना है। ये आपका पर्पज ऑफ दिस जर्नी है। अब यूनियन जो शब्द है, इसको आप लोग क्या समझते हो कि यूनियन में मतलब आपका, अगर आपको ये कंफर्म है कि आप ट्विन जर्नी में हो, तो डू यू वेटिंग फॉर द पर्सन टू कम एंड से ओके मैं इस कनेक्ट, ये मैं ये कहता हूँ कि हाँ ये हमारा कनेक्शन है और तभी मैं इसको अप्रूव करूँगा और तभी आपकी ट्विन जर्नी वैलिड होएगी? सो आर यू वेटिंग फॉर दैट यूनियन? क्या इसी यूनियन के लिए आप लोग वेट कर रहे हो कि वो बस एक वो आके वैलिडेशन लगा कर दे, एक ठप्पा लगा दे कि यस आई एम एक्सेप्टिंग दिस कनेक्शन, ओके उसके बाद क्या होगा? देखिए दोस्तों, सीधी बात, जिनकी शादी नहीं हुई है वो ये चाहते हैं कि हमारा यूनियन हो और शादी हो जाए।
जिनकी शादी हो चुकी है वो सिर्फ इतनी ही उम्मीद रखते हैं कि हाँ भाई वो बंदा आके हमको ये कह दे कि हाँ मैं भी ये कनेक्शन महसूस करता हूँ, वो भी एक ठप्पा लगा दे, वो भी इसको वैलिड कर दे कि यस ओके अप्रूव्ड अप्रूव्ड ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ओके वी आर वन सोल। और उसके बाद क्या होगा, आपको अपनी ही जर्नी पे चलना है। कोई सोल पर्पस के बारे में सोचता है कि हम साथ में सोल पर्पस करेंगे, बट द पर्सन अगर वो आपके साथ सोल पर्पस करता है दैट इज द मेन पर्पस टू गिव वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप सोल पर्पस आज भी शुरू कर सकते हो। तो अगर इन अदर वे राउंड में कहूँ तो ये जर्नी आपकी जर्नी है, आपके आपके खुद को इवॉल्व करने की जर्नी है, या ये मैं कहूँ कि जो आप इनर वर्क कर रहे हो ना तो आप डीएम को पाने के लिए कर रहे हो, ना ही आप इसको यूनिवर्स के लिए कर रहे हो, एक्चुअली में आप ये अपने आप के लिए कर रहे हो। यू आर डूइंग इनर वर्क टू इवॉल्व योर सोल, या यू आर डूइंग इनर वर्क टू सैनिटाइज योर सोल, ठीक है, जिस पे जितनी धूल पड़ती थी। यू आर डूइंग इनर वर्क टू बिकम दैट क्रिस्टल क्लियर प्योर सोल। आप ना डीएम के लिए कर रहे हो तो फिर आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हो मैडम क्या मैं ये जर्नी छोड़ दूँ, क्या मेरा डीएम आएगा। अगर डीएम नहीं आएगा तो आप इनर वर्क नहीं करोगे, अगर आपका यूनियन नहीं होगा तो आप इनर वर्क नहीं करोगे। डोंट यू वॉन्ट टू बिकम अ क्रिस्टल क्लियर प्योर सोल? क्या आपको मन नहीं है एक इवॉल्व सोल होने का? क्या आप वो बंदा आपको वैलिडेशन देता है या नहीं देता है, वो बंदा इस ट्विन जर्नी को अप्रूव करता है या नहीं करता है? क्या आपका मन नहीं है कि आप एक सैनिटाइज प्योर क्रिस्टल क्लियर सोल बन के ऊपर जाओ? तो अल्टीमेटली व्हाई यू आर जस्ट कंफ्यूज्ड एंड इन पेन? पेन क्या होता है? जब लैक ऑफ अवेयरनेस इज द पेन, जब हमें पूरा ज्ञान नहीं होता है तो हम दर्द में होते हैं, और जब हमें एक अवेयरनेस आ जाती है कि ओके व्हाई आई एम डूइंग दिस, और फिर अपने माइंड को यूज़ करिए दोस्तों। कुंडलिनी अवेकनिंग का मतलब अल्टीमेट पर्पस यही है कि आपको अपने सारे ब्लॉकेजेस को हील करना है, और जब आपके ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगे आपकी एनर्जी, सी आपके आप दो या तीन ब्लॉकेजेस भी अगर हील कर चुके हो तो यू आर इन द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ योर एनर्जी। Ask yourself, क्या आपके में changes आया? That is the changes. तो जब आपके सारे blockages heal हो जाएंगे तो automatically आपकी energy ऊपर की तरफ raise हो जाएगी। What is Kundalini awakening? Raising your energy to upside. रूट चक्र से क्राउन चक्र तक आने की जर्नी को बोलते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग, ठीक है, उस एनर्जी को वहां तक। तो जब आप अपने ब्लॉकेजेस को हील करके ऑलरेडी यू आर आप उस अपने डायमेंशन को इंक्रीज कर रहे हो, आप ऑलरेडी अपने एनर्जी को के लेवल को इंक्रीज कर रहे हो, यू ऑलरेडी बिकमिंग द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ योर सोल, सो व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट द कुंडलिनी अवेकनिंग एंड ऑल दिस थिंग? आपको पता है कि क्या ज़रूरत है इसमें, जिस जर्नी की, और कितना रिस्क है? मैं कभी प्रमोट नहीं करूँगी क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी बीन, आप अवेकन हुए हो इसीलिए आप इस जर्नी में आए हो, आपके अंदर स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी है इसीलिए आप इस जर्नी को समझ रहे हो। वरना आपके पेरेंट्स से या आपकी सोसाइटी में किसी से पूछा जाए कि भैया 5D डायमेंशन और हम लोग 5D में है, तुम 3D में हो, तो वो समझेंगे दिमाग खराब हो गया है क्या, वो लिटरली यही बोलने वाले हैं। आप कहोगे 3D रियलिटी इज द इल्यूजन, वो कहेंगे और 5D रियलिटी इज द ट्रुथ, पूछेंगे कहाँ है आपकी 5D कॉलोनी। लिटरली दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड, फॉर देम आपका जन्म अपने इशू, आपके लिए ये जन्म इशू हील करने के लिए हुआ है, उनके लिए ये जन्म शादी करके बच्चे पैदा करके मर जाने के लिए हुआ है। तो आप ऑलरेडी अवेकन हो, आपकी अवेकनिंग हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, नाउ यू आर गोइंग टू आप अपने उस प्रोसेस को, उस जर्नी को पूरा कर रहे हो, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगी, ये उन लोगों के लिए है जो लोग कि अपनी जर्नी में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और जिन लोगों ने जो एज अ डिस्टॉर्टेड फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा वुंड दिए थे। देखिए दोस्तों, समटाइम्स हमारी जर्नी में इतना इनर वर्क करने के बाद भी समटाइम्स डिवाइन मैस्कुलिन रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, उसका मेन कारण ये होता है। अगर मैं इसे समझाऊंगी, आप सपोज आपको किसी ने वुंड दिया, किसी ने आपको हर्ट किया, राइट,
और उसके बाद वो आप भी कुछ और ठीक है यार, इसने मुझे हर्ट किया है, आई विल स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन, और आप इस पर्सन से महीनों तक दूर रहे, राइट। उसके बाद जब वो बंदा आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम आता है, वही जिसने आपको वुंड दिया, तो आप सबसे पहले उस बंदे को देख के उसका दिया हुआ वुंड याद करते हो, राइट, बिकॉज यू आर वुंडेड बाय दैट पर्सन। अब आप ये सोचिए कि जब आप इस जर्नी में बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए थे, आप बहुत डिस्टॉर्टेड फेमिनिन थे, यू आर जस्ट सिंपली लाइक ट्रबलिंग हिम लाइक एनीथिंग, कि कॉल करो, मैसेज करो, क्यों कॉल नहीं कर रहे हो, क्यों मैसेज नहीं कर रहे हो, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, ब्लेमिंग हिम, टॉर्चरिंग हिम, डिस्टर्बिंग हिम, सब सारे चीज़ें कर करके आपने उसकी पर्सनल लाइफ को भी ख़राब किया, उसकी पर्सनल स्पेस को भी ख़राब किया, उसको आपने हर्ट किया, आपने उसको कर्ज किया, आपने उसको क्या क्या नहीं बोला, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारे कारण से, तुम चीटर हो, तुम ये हो, ब्ला ब्ला ब्ला, आपने इतने सारे वुंड दिए, ठीक है। अभी वो इंसान वुंडेड है। समटाइम्स ऐसे इंसान को वापस आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वो जब भी याद करते हैं, प्यार से भी करेंगे, तो दे विल ऑलवेज रिमेंबर दैट वुंड, ठीक है। तो जब कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी फेमिनिन्स को एक प्रयास करना चाहिए, एक अपने ईगो की डेथ करने का। व्हाट इज द डेथ? देखिए, ये जो जर्नी है, ये कम्प्लीटली आपके ईगो के डेथ की जर्नी है। मैंने कई वीडियोज़ में बोला है, आपको किसी बात का ईगो नहीं होना चाहिए कि मैं जाके सॉरी क्यों बोलूँ, मैं अपनी गलती क्यों एक्सेप्ट करूँ। अब समझिए कि जिसने आपको वुंड किया था, वो फर्स्ट टाइम आकर आपको सिर्फ ये कह दे कि यार लास्ट टाइम मैं तुम्हें बहुत हर्ट किया, ठीक है, उसके बाद वो वुंड आपको याद रहेगा? नहीं रहेगा, या रहेगा तो हल्का हो जाएगा। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस। आप अगर प्रयास कर सकते हो, अगर पॉसिबल है, इफ़ यू आर नॉट ब्लॉक्ड, आप अपने उन सारे चीज़ों के लिए एक्सक्यूज मांगिए, फील, यू शुड फील सॉरी, दैट विल लिटरली हील देयर वुंड, क्योंकि बिकॉज दे आर वुंडेड, ठीक है। और अगर आप नहीं मांग सकते हो कॉल करके, तो आप मेडिटेशन में सॉरी मांगिए, मेडिटेशन में उनसे फॉरगिवनेस मांगिए, ठीक है, और फिर अपनी जो आपकी जर्नी है उस पर फोकस हो जाइए, बिल्कुल। बट दोस्तों, ये जर्नी आपके ईगो के डेथ की ही जर्नी है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लेयर होती है वो ईगो की होती है, तो हमें ईगो की लेयर हटाना बहुत मुश्किल, बहुत ही ज़रूरी है। ये मुश्किल भी होता है और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैम हम तो ब्लॉक्ड हैं, हम तो बात ही नहीं कर सकते बिल्कुल भी, कहीं से भी किसी प्रकार से हम फॉरगिवनेस नहीं मांग सकते, तो बिल्कुल आप लोग अपने हायर सेल्फ में अपने पर्सन को वैसे ही फील करो, ठीक है, वैसे ही सॉरी हायर सेल्फ में मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड फील हिम द मोमेंट यू वॉन्ट टू फील। लाइक इसे हम लोग गॉड को, हम लोग भगवान को, जैसे मैं बताया भी कई वीडियोज में, भगवान को कैसे हम याद करते हैं, उनको याद करते हैं, हमसे प्रे करते हैं, वी यूज टू सेंड अवर अवर वाइब्रेशन टू गॉड, और गॉड हमारी सुनता है। इसी प्रकार से यू कैन सेंड योर लविंग, योर प्योर, योर पायस आपकी वाइब्रेशंस हैं, आप अपने पर्सन को सेंड कर सकते हो, आप उनको सारे मैसेजेस दे सकते हो, उनसे वो सारी बात हायर सेल्फ में कर सकते हो, वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स आप जी सकते हो, जिससे उनकी एनर्जी भी पॉजिटिव होएगी, जो वुंडेड एनर्जी है वो थोड़ी सी हील होएगी। एंड बेसिकली आपको ये जर्नी मिली है अपने ब्लॉकेजेस को हील करने की, आप अपने ब्लॉकेजेस को हील करिए, अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ रेज करिए, देखना आप जब उनसे मिलोगे आफ्टर नो कॉन्टैक्ट या आफ्टर फ्यू टाइम, फ्यू मंथ्स और फ्यू पी आफ्टर कुछ, जब वो एक डिफिकल्ट टाइम निकल जाता है, आप मिलोगे तो यू विल फाइंड दिस योर पर्सन इन द सेम एनर्जी, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर शेयरिंग द सेम एनर्जी, ओके, बोथ ऑफ यू आर शेयरिंग द सेम वाइब्रेशन। बट हाँ, इसमें एक सवाल आया था कि मैम क्या हम लोग वशीकरण वगैरह करके कुछ कर सकते हैं? दोस्तों, हम मैंने बोला है, जितना आप वशीकरण टोटके उपाय करोगे, इट इज़ सिन, इट इज़ सिन इन द आई ऑफ यूनिवर्स, आप अपनी जर्नी डिले करोगे। कर्माज लॉज, जब हम लोग वशीकरण करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, हम लोग टोटके करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग यूनिवर्स के प्लान पे इंटरफेरेंस करते हैं। तो प्लीज़, नो वशीकरण, नो मैनिफेस्टेशन, नो उपाय टोटका, ये सिन है, बिकॉज यू आर इंटरफेरिंग इन द प्लान, डिवाइन टाइमिंग ऑफ यूनिवर्स।
और डेफिनेटली बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग. हर चीज़ का डिवाइन टाइमिंग होता है लाइफ में. किसी को ये अवेकनिंग बहुत अर्ली एज में मिलती है, किसी को ये अवेकनिंग बहुत लेटर स्टेज में मिलती है, किसी को ये अवेकनिंग बहुत जल्दी पूरी हो जाती है एज़ पर देयर कर्मा, किसी की ये जर्नी बहुत लेट पूरी होती है. बिकॉज हर चीज़ का डिवाइन टाइमिंग होता है. तो प्लीज़ हैव फेथ ऑन यूनिवर्स एंड हैव फेथ ऑन डिवाइन टाइमिंग एंड पेशेंस इज द की, जो कि मैं हर वीडियोस में बोलती हूँ. बिना पेशेंस रखे आप अपने 3D के प्रोग्रामिंग के हिसाब से कि मुझे शादी होनी है, मेरी शादी होनी है, मेरी उम्र जा रही है, आपकी 3D प्रोग्रामिंग के हिसाब से ये जर्नी पूरी नहीं हो सकती. आप हाँ यस इट इज़ अप टू यू कि एज अर्ली एज आप फालतू चक्रों में फालतू की एनर्जीज, आज डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है, कल डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या थी, इन चक्रों में स्टक होने की जगह पर आप लॉजिकली अपने दिमाग को खोलकर मैच्योरिटी के साथ अपनी ब्लॉकेजेस को हील करते हो, सोल पर्पस पूरा करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को रिलीजियसली फॉलो करते हो, अपनी एनर्जी को चेंज हाई करते हो, रेज करते हो, तो फॉर श्योर आपका यूनियन होगा. और इतने सारे लोगों का यूनियन हो रहा है. ठीक है दोस्तों, आपका क्यों नहीं होगा. गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल.